श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मार्शल आर्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके आविष्कारक कौन है? भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलारी पत्तियों के नाम से जाना जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चारूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र महज 16 वर्ष थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपयट्टु विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारीपयट्टु की नींव रखी थी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सिखा रखा था। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना माना जाता था। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।